के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। 9 और 10 जून को आयोजित होगा बृहद रोजगार मेला। इस मेले में बेरोजगारों को मिलेगा रोजगार का अवसर। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी के विजयेंद्र पांडियन ने कहा, तमंचे के साथ लूट का आरोपी चढ़ा पुलिस के हत्थे। एसपी साउथ ज्ञान प्रकाश चतुर्वेदी ने किया खुलासा। ईद उल फितर को सकुशल एवं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने हेतु जिला प्रशासन पूरी तरह कटिबद्ध। कोतवाली में आयोजित हुई शहर के व्यवसायियों की बैठक। व्यापारियों के उत्पीड़न और लूटपाट पर रोक लगाने सहित विभिन्न मांगों पर हुई चर्चा। वेतन विसंगति को दूर किए जाने सहित 3 सूत्रीय मांगों को लेकर ग्राम पंचायत अधिकारी व ग्राम विकास अधिकारी समन्वय समिति के सदस्यों ने बुधवार से आरंभ किया कलमबंद हड़ताल। राशन कार्ड की समस्याओं को लेकर लगभग 2 दर्जन ग्रामीणों ने जिलाधिकारी कार्यालय के समक्ष शांतिपूर्ण तरीके से किया विरोध प्रदर्शन, सौंपा ज्ञापन। चंद्रा कमेटी की रिपोर्ट लागू करवाने के लिए 16वें दिन भी ग्रामीण डाक कर्मियों का हड़ताल रहा जारी। केंद्र सरकार ने की वेतन में 20% की बढ़ोतरी की घोषणा। सम्मान राशि बढ़ाए जाने को लेकर लोकतंत्र सेनानी सेवा संस्थान ने दी आंदोलन की चेतावनी। बशारतपुर स्थित अंबेडकर शिक्षा निकेतन जूनियर हाई स्कूल के ध्वस्तीकरण पर रोक लगाए जाने की मांग को लेकर कांग्रेसियों ने जिलाधिकारी से मुलाकात कर सौंपा ज्ञापन। रामगढ़ ताल के संरक्षण के लिए महानगर पर्यावरण मंच के द्वारा लिए गए संरक्षण का पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को देख रामगढ़ ताल में गिर रहे पानी पर डीएम ने व्यक्त किए चिंता। जेपीएल सीजन 4 कैनवास बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट में उमेशा 11 ने लुक्स फॉर एवर को 11 रन से हराया। और गोरखपुर सब जूनियर लीग में अक्की स्पोर्ट्स एकेडमी की 5 और TNM एकेडमी की 9 विकेट से शानदार जीत।